के समय इस घर का क्या होता होगा भाई? आरपीएफ है, रुकेगा जरूर, इनके लिए जरूर रुकेगा। सब गेट पे भी खड़े काफी लोग तो। पूर्विया एक्सप्रेस नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए रेल सफर में। मैं स्वागत कर रहा हूँ आप सभी का मिथिला की राजधानी दरभंगा जंक्शन से, और यहाँ से चलने वाली बहुत ही पॉपुलर ट्रेन बिहार संपर्क क्रांति आप सभी के लिए जर्नी कवर करने वाला हूँ। फिलहाल ये जो ट्रेन हॉर्न मार रही ये है जानकी एक्सप्रेस, जो मनिहारी से जा रही है अब जयनगर को, जिसमें लगा है ट्राई कलर का यानी कि तिरंगे रंग का लोकोमोटिव। चलिए हम आपको लोकोमोटिव दिखाते हैं। और ये देखिए काफी बेहतरीन लग रहा है दोस्तों, ये WAP-4 है। मुझे लगा यार ये LHB कब हो गया, आगे का सिर्फ डब्बा LHB है। फिलहाल इसको भी LHB मिल ही जाएगा कुछ दिनों में, जब इतने सारे ट्रेन LHB हो रही है। और ये रही फिलहाल अपनी बिहार संपर्क क्रांति दोस्तों, डिपार्चर हो चुका है हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बिहार संपर्क क्रांति। 8:25 है इसका टाइम निकलने का यहाँ से, और ऑन टाइम निकल रही है हमारी ट्रेन। बिहार में तो इसका मान लीजिए थोड़ा मोड़ा ज्यादा स्टॉपेज भी है, लेकिन बिहार से निकलने के बाद भाई ये बवाल हो जाता है एकदम। देखिए फिर से रुका है, कोई ना कोई चढ़ रहे होंगे या फिर उतर रहे होंगे चलती ट्रेन में। यही कारण है कि मैनेजर बाबू देखते रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रहती है भाई कौन चढ़ रहा है कौन उतर रहा है, जब तक कि प्लेटफॉर्म से पूरा ट्रेन निकल नहीं जाता है। चिल्ला के दौड़ रहा है, कुछ गड़बड़ है दया इसके साथ। और ये लेडीज यार आरपीएफ है, रुकेगा जरूर, इनके लिए जरूर रुकेगा। रुकिए मैडम, रोक रहे हैं। ये लड़का भाई कब से दौड़ रहा है, गार्ड बाबू भी इसके ऊपर चिल्ला रहे हैं। वैसे कोई नॉर्मल पैसेंजर होता तो मैं भी शायद ये ट्रेन एक बार दोबारा नहीं रुकती, लेकिन आरपीएफ लेडी मैम थी जिनकी वजह से ये ट्रेन दोबारा रुका है। चलिए बाय बाय दरभंगा। तो ये फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं दोस्तों लहरिया सराय को, ये दरभंगा के जस्ट निकलने के बाद ही आता है, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पे है और काफी अच्छी खासी स्पीड से निकल रहे हैं हम लोग। हॉल्ट पे पहुंच रही है जो कि है समस्तीपुर, और इसके पैसेंजर दोस्तों आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे काफी भर भर के। देखिए जनरल पूरा पैक होने वाला है दोस्तों यहाँ से। अब आओ भैया, अब ये हालत देखिए भाई, ये है जनरल कोच का हाल। चलिए फिलहाल यहाँ पे काफी देर तक अपनी ट्रेन रुकने वाली, यही मैडम थी दोस्तों जिनकी वजह से ट्रेन दोबारा रुका था दरभंगा पे। अपनी ट्रेन जो है समस्तीपुर पहुंच चुकी है 37 किलोमीटर की जर्नी कवर करके, और यहाँ पे अपने ट्रेन का होने वाला है लोको रिवर्सल, जिसमें काफी टाइम लगेगा दोस्तों, लगभग 25 मिनट का समय लग जाता है। और हम फिलहाल बाहर आ गए हैं, कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते हैं क्योंकि सुबह सुबह निकले थे, 8:30 बजे की ट्रेन रहती है भाई, कुछ खा पी के भी नहीं निकले थे, तब चलिए कुछ खा पी लेते हैं।
अब आपको ट्रेन के अंदर का कंडीशन दिखाते हैं दोस्तों एक बार। देखिए चढ़ने में भी दिक्कत है। फिलहाल देखिए दोस्तों कितना ज्यादा फुल हो चुका है, बैक कवर सब गेट पे भी खड़े काफी लोग। तो जब तक मैं बाहर गया था कुछ नाश्ता पानी करने, तब तक ये लोकोमोटिव आके लग ही रहा है दोस्तों। और ये लग गया, झटका लगा मतलब समझ लिए लग गया। सिग्नल मिल चुका है दोस्तों, देखिए हमें मुजफ्फरपुर की ओर जाने के लिए सिग्नल मिल चुका है। फिलहाल हमारी गाड़ी अब समस्तीपुर से निकलने ही वाली है और हॉन्क भी हो चुका है, इस फैमिली को शायद चढ़ना है। अरे आप बड़ा लेट आई। चलिए दोस्तों अब अपनी गाड़ी जो है बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस, रियली में सुपर फास्ट है भाई, बहुत तगड़ी सुपर फास्ट है, जो कि निकल चुकी है अब समस्तीपुर से। समस्तीपुर का स्टेशन कोड है दोस्तों SPJ। फिलहाल यहाँ तक की जर्नी मात्र 37 किलोमीटर तक ही कवर किए हैं और मुजफ्फरपुर जो है वो दूसरा होल्ट होने वाला है। तो लूप लाइन से दोस्तों अपनी ट्रेन जो है ढोली को स्किप करिए, क्योंकि मेन लाइन पे खड़ी है मालगाड़ी। देखिए आप लोग ढोली पे भी नहीं रुकेगा क्योंकि यहाँ पे भी येलो सिग्नल मिला हुआ है। क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो लगने जा रही होगी प्लेटफॉर्म नंबर 4 या फिर 5 पे, और इसमें मैंने एक बार आपको दिखाया था कि कूली लोग जो होते हैं वो सीट की बेच देते हैं, इसको सीट पे इसका बेच देते हैं, जो कि काफी गलत काम करते हैं। फिलहाल अपनी गाड़ी जो है वो अब मुजफ्फरपुर पहुंचने वाली है दोस्तों। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइवल हो रही अपनी गाड़ी का। बाप रे यहाँ पे भी चढ़ने का भीड़ काफी है, देखिए कितना लोग है भाई। भाई सब उतर चार में लगा के भाई, देखिए चढ़ने वालों की भीड़ काफी परेशान कर देती है। तो 89 किलोमीटर की जर्नी कवर करके दोस्तों 10 मिनट की डिले के साथ हमारी बिहार संपर्क क्रांति जो है पहुंच चुकी है मुजफ्फरपुर जंक्शन, जहां पे है 8 प्लेटफॉर्म, जिसके प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगी अपनी ट्रेन। मुजफ्फरपुर से दोस्तों एक लाइन रक्सौल, एक लाइन चली जाती सीधा सीतामढ़ी की तरफ, और ये बिहार संपर्क क्रांति चली जाएगी हाजीपुर की तरफ, और हमारी ट्रेन जो आई है अभी वो आई है समस्तीपुर की तरफ से। तो काफी सारी लाइनें जो है यहाँ से निकलती है और यहाँ पे आके समझ लीजिए मिलती है, जो कि एक बड़ा जंक्शन पॉइंट बना देता है इस मुजफ्फरपुर को। धूप तो काफी अच्छा खिल चुका है, अभी इस जैकेट को निकाल देना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए इस जैकेट को भी आप निकाल ही देते हैं हम। चलिए दोस्तों डिपार्चर हो गया, मतलब सिग्नल हो चुका है हमारी ट्रेन का, लोको पायलट भी ग्रीन सिग्नल दिखा रहे हैं और हमारी ट्रेन अब चल पड़ी है। चलिए इस गेट पे नहीं, अब इस गेट पे चढ़ते हैं। अरे सर ये गेट तो बंद है, चलिए भाग जल्दी से चढ़ते किसी भी गेट पे, नहीं तो हमारा ट्रेन इसी तरह निकल जाएगा हमके भी। चलिए चढ़ते हैं। मत चढ़ भाई, चलिए ठीक किया नहीं चढ़ा। बाय बाय मुजफ्फरपुर। ऐसा रिस्क भी आप नहीं करना चाहिए कभी भी। मिरर देखिए दोस्तों काफी साफ सुथरा तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी बूंदी बूंदी इसमें पता नहीं क्या पानी जैसे पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। और इसका पावर फ्लश बटन दोस्तों काफी बेहतरीन काम कर रहा है, आप लोग को दिखाते हैं। बहुत ही हार्ड लेवल का है भाई, और फर्श भी थोड़ा हल्का गंदा है, बाकी चल जाएगा। टोटल मिला जुला के ओके है बाथरूम। देखिए दोस्तों अपनी ट्रेन जो है वो मुड़ चुकी है
हाजीपुर की तरफ। अगर सीधे चली जाती तो वो चले जाता है दोस्तों रक्सौल, सीतामढ़ी, वो सब भी लाइन जाती इधर से। देखिए दोस्तों शाहपुर पटोरी की तरफ से आ रही है और हाजीपुर पे मिल जाएगी। फिलहाल हमारी गाड़ी जो है हाजीपुर पहुंचने ही वाली है। आप लोग देखिए हाजीपुर का अराइवल। हाजीपुर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों 143 किलोमीटर की जर्नी कवर करके अपनी जर्नी के थर्ड हॉल्ट पे पहुंच चुकी है जो कि है हाजीपुर। और ये हाजीपुर जो है दोस्तों ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेड क्वार्टर है जिसका स्टेशन कोड है HJP। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन जिसके प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगी अपनी बिहार संपर्क क्रांति। तो दोस्तों यहाँ पे आने वाली है आनंद विहार से सहरसा के लिए जाने वाली पूर्विया एक्सप्रेस। कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगने वाली है, हमारी ट्रेन रुकेगी हो सकता है थोड़ा। चलिए दोस्तों मात्र 2 मिनट यहाँ पे रुका है और हमारी गाड़ी तुरंत खुल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। देखिए केला, आप लोग यहाँ का चिनिया केला 20 का 16 को दे रहा है वैसे। चलिए निकलते हैं पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय से। और ये देखिए ये है NMG ट्रेन, कितना ज़्यादा पुराना है WAG 5। कर्व पॉइंट देखिए आप लोग दोस्तों, सामने से ट्रेन आ रही है आनंद विहार से चल के सहरसा को जाने वाली पूर्विया एक्सप्रेस। ये देखिए मिथिला पेंटिंग वाली कोच। चलिए पूर्विया निकल गई, हम लोग चलते हैं गंडक रिवर के ऊपर। तो ये आ गई है दोस्तों गंडक रिवर जिसपे कुछ काम चल रहा है। देखिए भी पुल बनाया गया है जबकि ये डबल लाइन का पुल ऑलरेडी है लेकिन ये वाली लाइन तैयार नहीं है भाई, पता नहीं क्या कारण है। मैं कई दिनों से कई सालों से देखता आ रहा हूँ। बाढ़ के समय इस घर का क्या होता होगा भाई। देखिए सोनपुर का मेला अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ कुछ झूला भी लगा हुआ ही है। देखिए हाजीपुर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी के बाद ये सोनपुर है। बनना है क्या आपको? नहीं, जिस हिसाब से भाई ये गाड़ी है उस हिसाब से इसका तो हॉल्ट नहीं होना चाहिए सोनपुर। चलिए यहाँ से भी सिग्नल मिल चुका है सोनपुर, इसका स्टेशन कोड है दोस्तों SEE। चलिए मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पे,
और निकल गई हमारी गाड़ी। मौर्या एक्सप्रेस, तो दोस्तों अब अपनी ट्रेन जो है पहुंच रही है छपरा जंक्शन। यहाँ वेंडरों की लाइन देखिए कितना जबरदस्त, एकदम भीड़ लगा ली है, लेटी पकड़ गए और पैसेंजर भी काफी है भाई यहाँ पे। फिलहाल आप सभी का छपरा में स्वागत है। दोस्तों 202 किलोमीटर की जर्नी कवर करके अब हमारी ट्रेन जो है पहुंच चुकी है छपरा जंक्शन। तो चलिए छपरा पे पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन, थोड़ी लेट जरूर हो गई है लेकिन काफी बेहतरीन ट्रेन पहुंचाया हमें छपरा। दोस्तों ये एक जंक्शन पॉइंट है जहां से एक लाइन सिवान की तरफ चली जाती है जो बिहार संपर्क क्रांति चली जाएगी और एक लाइन बलिया की ओर भी जाती है। फिलहाल हमारी ट्रेन जो अभी आई है हाजीपुर के रास्ते से होके आई है, तो ये 3-4 लाइनें हैं जो यहाँ पे आके मिल जाती है और छपरा को एक मेजर जंक्शन पॉइंट बनाती है। तो दोस्तों हम इस ट्रेन को अभी यहीं पे डिवोट कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये जर्नी काफी अच्छा लगा होगा बिहार संपर्क क्रांति की। अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिए, फिर मिलेंगे किसी नई जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।